चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। जिनको गाली दी थी आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, वही उन सब लोगों को मंच पर इकट्ठा किया था। जब मोदी का कदम बिहार की धरती पर पड़ेगा तो ये अलायंस पूरी तरह एनडीए अलायंस बिखर जाएगा। और बिहार में भी पिछली बार राजद था जीरो, इस बार भी रहेगा जीरो। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर देश को आगे बढ़ाया है। देश ने तय कर लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। देश ने तय कर लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। बिहार में पिछली बार मन में ये मलाल था कि हम गुजरात, राजस्थान, दिल्ली की तरह शत प्रतिशत सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में नहीं डाल पाए, लेकिन इस बार वो मलाल मिटने वाला है। पिछली बार हम 39 जीते थे, इस बार किशनगंज सहित हम 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने वाले हैं। बिहार में इस बार 40 सीट पर मोदी लड़ रहे हैं। हर जगह नरेंद्र मोदी जी के नाम पर उम्मीदवार का नाम कुछ भी हो, लेकिन मोदी जी के नाम पर लोग वोट डालने जा रहे हैं। इस बार केंद्र सरकार का जो परफॉर्मेंस है, जिन मुद्दों पर, जिन वादों पर हमने सरकार चलाई, उन वादों पर हम शत प्रतिशत खड़े उतरे हैं। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर देश को आगे बढ़ाया है। और यही वजह है कि आज सारे विरोधी इकट्ठे होकर भी मोदी जी के सामने टिकने वाले नहीं। रामलीला मैदान में सब इकट्ठे हुए थे, वो वही रामलीला मैदान है जहां इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा बुलंद किया गया था, और आज अलायंस विद करप्शन का नारा वहां से बुलंद हुआ। जिनको गाली दी थी आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, वही उन सब लोगों को मंच पर इकट्ठा किया था। ये भी देश के लोगों ने देखा। आम आदमी पार्टी पूरी तरह अभी जानबूझकर कंफ्यूजन पैदा कर रही है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी होने वाली है। तो चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, किसने आपको बता दिया? और ये कहना आतिशी का कि उनको अप्रोच किया जा रहा है, क्या वो बताएंगे कि कौन अप्रोच कर रहा है, किसने उनको अप्रोच किया, कौन व्यक्ति उनसे मिला? सिर्फ झूठ की खेती उनको नहीं करनी चाहिए। बिहार के अंदर हमारे एनडीए के सारे उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, और सो कॉल्ड जो एनडीए अलायंस है वो अभी तक अपना उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाया। बड़ी मुश्किल से उनके सीट के एडजस्टमेंट हुआ है, लेकिन एक दूसरे पर अभी भी यकीन नहीं। एक दूसरे के नेता एक दूसरे से किस सीट पर नॉमिनेशन करने की बात कर रहे हैं, और अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में सब ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, और वो लोग अभी उम्मीदवार तय नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले बिहार की सरजमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम 4 तारीख को पड़ने वाले हैं। जब मोदी का कदम बिहार की धरती पर पड़ेगा तो ये अलायंस पूरी तरह एनडीए अलायंस बिखर जाएगा। 4 तारीख को जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा होगी, और वो ऐतिहासिक सभा होगी, क्योंकि इस बार हम लोग 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने वाले हैं। 4 तारीख को वो आ रहे हैं, 40 सीट हम लड़ रहे हैं,
तो 440 और 400 के पार ये संयोग बिहार से ही बनेगा, और बिहार में भी पिछली बार राजद था जीरो, इस बार भी रहेगा जीरो, और पिछली बार कांग्रेस एक सीट जीत गई थी, इस बार कांग्रेस भी हो जाएगी जीरो। ये बात मैंने अपनी तरफ से आपको कह दिया है।